हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स के बारे में, जिसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी रॉबर्ट मैगर्स अप्रोच के, रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच के एंड आरसीएम अप्रोच के। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी इस टॉपिक की कि मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आप प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए। काफ़ी मेल्स भी मुझे आए। तो देखिए, हालांकि पेपर 12th को है, लेकिन मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, और मैं चाहती हूँ कि बीएड 4th सेम की भी एटलीस्ट मेरी वजह से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तो अच्छा है, तो थोड़ा उस पर भी काम करना है। थोड़ा इस वजह से मैं बिजी हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नोट्स दे दूंगी। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या मेरे पास टाइम होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। और कुछ लोगों का कहना होता है कि बैकग्राउंड को वाइट ही रखा करें ताकि क्लियरली विजिबल हो, और कुछ लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड वाइट होता है तो दिखाई नहीं देता, तो आप कलर कर दीजिए, यानी कि कुछ और बैकग्राउंड रखिए ताकि जो लेटर्स हो वो इजीली विजिबल हो। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों तरीके से फोटोज अटैच कर दी हैं, एंड आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। हालांकि आरसीएम अप्रोच कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लें, और रॉबर्ट बेगर्स और मिलर्स अप्रोच को भी अच्छे से देख लें।